अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय नानी की रेसिपी। आज हमारी नानी बना रही हैं अंडा मगज। इसके लिए हमने चार ये आधा किलो टमाटर लिए हैं, हरा धनिया है, ये इतनी सारी मिर्चें हैं, मिर्चें ज़रा ज़्यादा डलती हैं, और दो प्याज हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर बाद में आपको दिखाएंगे कि ये पकता कैसे है। ये देखें, हम अंडा मगज़ बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने आधा किलो टमाटर लिए हैं, दो दरमियानी प्याज लिए हैं, 10 से 15 हमने हरी मिर्चें ली हैं, 4 अंडे हैं, धनिया लिया है, और ये कुटी मिर्चें 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक है, नमक हमेशा कम डालते हैं अंडों में, ये आधा चाय का चम्मच, ये गरम मसाला है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ब्राउन होना शुरू हो गई है। बस ये थोड़ी सी और ब्राउन होएगी तो फिर हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखें, आप हमारे टमाटर गल चुके हैं, इसे हमने चम्मच की मदद से ऐसे थोड़ा तोड़ दिया। ये मोटे मोटे होते हैं ना, इनको यूँ तोड़ देना चाहिए ज़रा। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। बस अब ये थोड़े से और हो जाए, फिर अभी हम इसको ये इसी तरह से तोड़ लेंगे। ये देखें, जब इस तरह से हो जाए ना ये, तो फिर इसमें अंडे डालते हैं, और अंडे डाल के चलाना नहीं है, बस इसे अंडे डालने। ये देखें इस तरह से, और एक एक अंडा अलग अलग तोड़ना है कटोरी में, ये इस तरह से नहीं। ये देखें, ये दूसरा अंडा भी हम इसी तरह से डालेंगे इसके अंदर। ये अंडे क्योंकि ख़राब भी होते हैं ना, इसलिए अगर हम सब एक साथ तोड़ लेंगे, कोई एक अंडा गंदा निकल आया तो फिर सारे अंडे ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए हम अलग अलग एक एक अंडा तोड़ते हैं। ये चारों अंडे हमने इस तरह से डाल दिए, इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक देंगे। अभी इसको चलाना नहीं है, बस इसको ऐसे ही ढक दें। ये देखें, थोड़ी देर के बाद ये ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं इस तरह से। अब देखें, ये अंडे मोटे मोटे हो गए ना, अब हम इसे ऐसे कट कर करके और इस तरह से पलटते जाएंगे। ये इस तरह से हम पलट देंगे इनको, दूसरे साइड से भी ये सही हो जाएंगे। जब ये अंडे हो जाते हैं ना, तो फिर इनको ज़रा थोड़ा सा तेज आंच करके देखें, तेज फ्लेम करा हमने, फिर हम इसको अब भून लेंगे थोड़ा सा। इसको ऐसे भूनेंगे, देखें बराबर से अंडे नज़र आ रहे हैं, ये देख इस तरह बिल्कुल मगज़ का जायका होता है। आप खाएंगे, आपको बहुत लजीज लगेगा ये। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।